आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जी, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीज़ों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जुड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा हर व्यक्ति को, योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अधिकार है, उससे भी वंचित रखा कांग्रेस सरकार ने। तो प्राथमिकता यही रहेगी जी। बतौर उप मुख्यमंत्री, वैसे तो आपने बताया कि कई जगह दिक्कत है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री दीया कुमारी जी क्या सोचती है कि सबसे पहला काम ये किया जाए? बिल्कुल उप मुख्यमंत्री, और देखिए ये तो सब चीज़ें आगे की योजना के हिसाब से होगा। अभी सरकार बनेगी, उसके बाद हम लोग पूरी प्लानिंग होगी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में पूरी सरकार में क्या करना है, किसको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, ये सब चीज़ें होंगी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जो कुछ आगे होगा वो आपको समय समय पर सूचना मिलेगी। लेकिन अभी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनका, और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, अध्यक्ष जी का, सभी प्रभारी गण का, सभी हमारे वरिष्ठ नेता गण का, कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, इस लायक समझा, और प्रदेश की जनता का भी, मेरे क्षेत्र की जनता का भी, कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना आशीर्वाद रखा, और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के हर काम करेंगे, आप लोगों की बहुत सारे काम, जो आप लोगों को अभी तक सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी से, और होनी भी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने काम किया है, तो प्रदेश अब बहुत देख रहा है कि अब राजस्थान एक बहुत सही दिशा में जाने वाला है, और बिल्कुल हम सब काम करें। मैम, क्षेत्र की जनता का आभार जता रही थी, अब तो आपकी सवाई माधोपुर की भी जनता है, राजसमंद की भी है, विद्याधर नगर की भी है, तो आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से लोग आपको पसंद करने लगे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि जनता से जुड़ी सबसे पहली चीज क्या होगी? देखिए, मुझे पसंद करने लगे या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग, एक इतने लोकप्रिय नेता इस पूरे देश में नहीं हुए, पूरे विश्व में नहीं हुए, पहली बार इतना लोकप्रिय नेता, और उन्हीं की वजह से हम लोग ये जीत रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ। और हम लोग श्रेय लेते हैं इसका कि भाई उनकी, मतलब ये है, हम लोग श्रेय, हमको श्रेय मिलता है, हम लोग जीतते हैं, लेकिन काम उनका बोलता है। तो बिल्कुल ये तो अभी जानकारी मिल जाएगी, अभी मुझे भी पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं, 15 का लग रहा है, तो बिल्कुल 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 जी। शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके जाने का है, अन्य राज्यों में जाने, ये तो अभी कुछ नहीं है ऐसी सूचना, लेकिन जो भी होगा समय समय पर आपको सूचना मिलेगी। महिला अपराध में एक प्रमुख मुद्दा रहा है, उसके लिए क्या कुछ? महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहाँ भी ऐसी घटना हुई है हमारी टीम पहुँची है, और जो हर व्यक्ति को, जो भी अब हमारे पीड़िता है या पीड़ित परिवार है, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है वहाँ, उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार, हम सब जानते हैं, गहरी नींद में सो रही थी, और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होंगे। देखिए, ये सारी चीजें अभी सरकार बनेगी, उसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।